क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार में जमीन घोटाले मामले में जांच जारी, तेजस्वी और तेज प्रताप ने किया ट्वीट। बिहार जमीन घोटाले मामले में लालू पर पोस्टर वॉर, पोस्टर में लिखा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग बंद करो। सहरसा में भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन, ग्रामीणों में भक्तिमय माहौल। सुपौल में कार्यकर्ताओं ने मनाया शहादत दिवस। मुजफ्फरपुर जंक्शन बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन, यात्रियों को मिलेगा कई सुविधाओं का लाभ। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। जमीन घोटाले मामले में लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लालू के पूरे परिवार सहित उनके सहयोगियों के पीछे ईडी और सीबीआई की तलवार लटक रही है। बीते कल तेजस्वी यादव को सीबीआई के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देकर कुछ वक्त मांगा है। वहीं इसको लेकर तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों लगातार ट्वीट करके बीजेपी के खिलाफ लामबंद दिखाई दे रहे हैं। बिहार में हुए जमीन घोटाला मामले में लालू और उनके परिजन समेत कई करीबियों पर ईडी हर जगह छापेमारी कर रही है। इस घोटाले पर नेता तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और इतना ही नहीं अब तो बिहार में पोस्टर वॉर भी जारी हो गया है। पोस्टर में लिखा है सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग बंद करो। इस पोस्टर में सीबीआई और ईडी के खिलाफ लिखा गया है। इसके साथ ही एक दूसरे पोस्टर में लालू के आसपास ईडी और सीबीआई, आरएसएस और बीजेपी इनकम टैक्स की टीम लालू को रस्सी से बांधकर अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन को स्मार्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि तकरीबन 446 करोड़ की लागत से स्मार्ट जंक्शन बनाने की तैयारी की जा रही है। ये कार्य 2025 के सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका जायजा लेने भाजपा सांसद अजय निषाद पहुंचे। पूरी हो गई है, काम भी अलॉट हो गया है, जमीनी स्तर का जो काम है नक्शा उक्शा का वो भी सब बन गया है। जैसे आपको दिखाया गया है 446 करोड़ रुपये का टोटल काम है। 2025 सितंबर में इसको पूरा करने का लक्ष्य है। काम हमको लगता है कि 1-2 महीना के अंदर में बहुत तेजी से होगा। लोग यहाँ प्रतिदिन लगभग 20,000 यात्री यहाँ पर चढ़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन से उतरते हैं, तो ट्रांजेक्शन भी यात्री का बहुत ज़्यादा है। बाढ़ में किसानों को दलहनी फसलों की कटाई के लिए कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मसूर, चना, मटर जैसी दलहनी फसलों की कटाई की मशीन के लिए पूसा विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक विशेष शोध कर रहे हैं। इन फसलों की कटाई का काम मशीन से होगा। इसके लिए फसल और मिट्टी अनुरूप कटाई मशीन के निर्माण की दिशा में शोध जारी है। मेनली जो आप लोगों की आवाज वहाँ तक पहुँची है,
दिल्ली तक, और दिल्ली से हमको जो असाइनमेंट मिला है मसूर उखाड़ने की मशीन बनाना है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आज का हम लोग का विजिट का मेन प्लान है कि मसूर को कैसे उखाड़ा जाए, मशीन में क्या क्या कमियां हैं। हम लोग मशीन को पहले ही थोड़ा काम कर चुके हैं और इस यहाँ की एकदम सिचुएशन, उखाड़ने के समय की सिचुएशन को जानने के लिए आज। सहरसा में पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी लिपि सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि चोर के पास कई कीमती मूर्ति बरामद की गई है। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुछ और सामग्री भी है। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका सफल उद्भेदन किया। वो जो व्यक्ति है जिसने चुराया था उसको गिरफ्तार किया। साथ में ही उसी की निशानदेही पे जितना भी मंदिर से जो सामान लिया गया था 100% उसको रिकवर कर लिया है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम कलिकांत चौधरी है और वो ये इस पेशेवर है। पहले भी पूर्णिया में एक मंदिर में दान पेटी तोड़ करके उसने पैसे चुराए हुए हैं जिसमें वो जेल भी गया है। नेपाल में इटहरा में भी इसका कनेक्शन है और वहाँ भी कई मामलों में जेल गया है। और प्रयागराज में एक बार ये टीटी बनकर के लोगों को ठगने का काम कर रहा था, उसमें भी प्रयागराज पुलिस ने इसको जेल भेजा था। बाढ़ में भारतीय जीवन बीमा निगम की मोकामा शाखा से चोरों ने सुरक्षा गार्ड की लाइसेंसी बंदूक समेत अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने छुट्टी के दिन इस घटना को अंजाम दिया। चोर कीमती सामान चुरा कर फरार हो गए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज। प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध को नियंत्रण में करने के लिए सभी थाना प्रभारी ने बैठक की। बैठक में कई थाना अधीक्षकों को काम को लेकर फटकार भी लगाई गई। मीटिंग के दौरान एसएसपी ने पेंडिंग केस में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। एसएसपी ने मीटिंग में थानेदारों को अपने ड्यूटी के प्रति सजग रहने की नसीहत दी है। सहरसा में बाजार प्रखंड क्षेत्र में अनाज नहीं दिए जाने पर राशन लाभार्थी और बाजार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अजीत कुमार द्वारा जन वितरण प्रणाली डीलर के विरुद्ध जांच कर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर राशन लाभार्थी में काफी आक्रोश है। सभी लाभार्थी का कहना है कि अगर सौर बाजार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उचित जांच कर कार्रवाई नहीं की गई, तो हम लोग डीएम से शिकायत करेंगे। 3-4 दिन गहूम आज नहीं दल कर 3-4 महीने तब आवेदन दल आवेदन क्या दल गया। हाँ
साथ में मेरा यूनिट उठता है 39 रुपए का, 50 रुपए से कम नहीं लेता है। कम देने पर वह डायरी पे नोट कर लेता है जो ही में ये अगला बार इस रुपया आपको पेड करना पड़ेगा। इस तरह से सर अनाज देता है। गेहूँ मिलता है? गेहूँ नहीं मिलता है। अब की बार जो 3 यूनिट थे तो सर 3 किलो दिया है। इससे पहले 2-3 बार गेहूँ नहीं मिला, 3 माह का गेहूँ नहीं मिला जी। आपका नाम? राजकिशोर रंजन, घर कांप है, वार्ड नंबर 10 पड़ता है। मेरा डीलर अजीत कुमार है, अजीत कुमार ठाकुर। सहरसा में प्रखंड क्षेत्र के शिव मंदिर परिसर में 9 कुंडी महारुद्र यज्ञ की कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 महिलाएं श्रद्धा पूर्वक कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस यात्रा में महिलाएं जल भरकर यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहीं इस भव्य कलश शोभा यात्रा से पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में भक्तिमय माहौल व्याप्त है। सुपौल में प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समिति के मंत्री सुरेश मुखिया की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने शहादत दिवस मनाया। निषाद विकास संघ एवं विकासशील इंसान पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मत्स्य जीवी सहयोग समिति के सदस्यों के द्वारा अमर शहीद जुब्बा सैनी की 79वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जितने भी सदस्य एवं पदाधिकारी है सभी मिलकर के सिमरा गांव में सुरेश मुखिया जी जो मत्स्यजीवी सुपौल के मंत्री हैं उनके दरवाजा पर जुब्बा सहनी शहादत दिवस मनाए और उसी पर कुछ इस तरह की चर्चाएं चली कि आज अमर शहीद जुब्बा सहनी का शहादत दिवस क्यों मनाया गया है। अमर शहीद जुब्बा सहनी का शहादत दिवस मनाया गया जिसमें उपस्थित जाति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सैकड़ों उपस्थित थे। रामलू मुखिया, हरी सर, शिवशंकर मुखिया, नारायण मुखिया, सैन्य मुखिया, तले मलनी पंचायत के सिमरा गांव में मत्स्यजीवी के मंत्री श्री सुरेश मुखिया जी के निजी आवास पर अमर शहीद जुब्बा सहनी शहादत दिवस मनाए, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी एवं निषाद विकास संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए। रामरूप मुखिया, हरी सर, नारायण मुखिया, बुधन मुखिया, शिवशंकर मुखिया, फुलदेव मुखिया एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मल्ली पंचायत के सिमरा गांव में प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समिति के मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार मुखिया जी के आवास पर अमर शहीद जुब्बा सहनी का शहादत दिवस मनाए। कार्यक्रम में रामरूप मुखिया पूर्व पंचायत समिति सदस्य, नारायण मुखिया और वीआईपी पार्टी के आरटीसीएल के जिलाध्यक्ष विशेषण मुखिया। मुजफ्फरपुर में बने पुल पर अब संकट मंडराने लगा है। दरअसल पुल का निर्माण तो हुआ लेकिन अब तक अप्रोच नहीं बन पाया है, जिसको लेकर ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मार्ग कई गांवों को जोड़ता है, लोगों में डर है कि साइड में रेलिंग नहीं है जिससे दुर्घटना हो सकती है। नहीं पास हो रहा है, वही ग्रामीण लोग से भी पूछ लीजिए क्या दिक्कत है, क्या समस्या क्या है। यही है, गाड़ी उड़ी नहीं पास हो रहा है, आता है तो लोग गिर जाता है इसमें। ठेकेदार मनमानी, गाड़ी मनमानी तरह से बना दिया गया है पुल, और क्या रहेगा। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कैसे ठेकेदार पुल बनवाए हैं, पुल कैसे पास हो गया, हम ही जानना चाहते हैं। कौन पुल है ये? ये शिवदहा पंचायत का पुल है। कौन सा गाँव है ये? ये शिवदहा पंचायत गाँव है। समस्या क्या है पुल का? पुल का समस्या यही है कि आप थोड़ा कैमरा उधर घुमा के देख लीजिए क्या समस्या है, आप खुद भी जान जाइएगा। आदमी जाएगा, गिरेगा, पड़ेगा, मर्डर होगा, उसका कौन जिम्मेदार है? ठेकेदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब्दुल सिंह
बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।